तो दोस्तों अगर आप भी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो अब आपकी भी मौज होने वाली है। वो कैसे कि अब YouTube ने न्यू अपडेट शॉर्ट वीडियो को लेकर लॉन्च किया है, कि जो कि बहुत सारे क्रिएटर सोच रहे थे कि YouTube ने बहुत दिनों से शॉर्ट वीडियो पर कोई अपडेट क्यों नहीं दिया, कोई न्यू अपडेट क्यों नहीं दिया। तो फाइनली YouTube ने न्यू अपडेट दे दिया है शॉर्ट वीडियो को लेकर कि अब शॉर्ट वीडियोस पर भी एड चालू किए जाएंगे। तो उन शॉर्ट शॉर्ट वीडियो का पहले हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि कैसे एड एनेबल है। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शॉर्ट वीडियो पर किस प्रकार के एड आएंगे। शॉर्ट वीडियो में दो प्रकार के एड आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट वीडियो पर दो प्रकार के एड आने वाले हैं। पहला एड आएगा स्किपेबल ईड एड, जिसको आप स्किप कर सकते हैं, और दूसरा एड आएगा इंस्टॉल ऐप, जिस जैसे कोई आप इंस्टॉल कंपनी आपको ऐप इंस्टॉल करने का बोल देगी कि इस ऐप को इंस्टॉल करिए, तो वो नॉन स्किपेबल आएगा। एक दो प्रकार के एड, पहला स्किपेबल, दूसरा नॉन स्किपेबल। तो आप वीडियो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार के एड आएंगे। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, एक दो वीडियो आप देखेंगे, तो अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो ही एड चालू होगा वीडियो को एंड में, वीडियो के स्टार्टिंग में भी एड होगा चालू, परंतु एंड में ज्यादा एड चालू होंगे तो आपको उन वीडियो का रेवेन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको सारी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका शॉर्ट वीडियो मोनेटाइज करने के लिए आपको 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश गौर और आप सभी का स्वागत है दीपेश गौर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको फाइनली बताने वाले हैं कि अपने यूट्यूब शॉर्ट मोनेटाइज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका पहले से यूट्यूब चैनल है और आपने अपने YouTube चैनल पर जो YouTube का क्राइटेरिया एरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पब्लिक वॉच टाइम अगर आपने पूरा कर लिया और आपका चैनल मोनेटाइज है, तो आपके एड पर भी अब एड आना शुरू हो जाएंगे, आपके भी शॉर्ट वीडियो पर एड आना शुरू हो जाएंगे। तो वो एड का आपको रिवेन्यू मिलेगा या नहीं, तो अभी YouTube ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उस एड का रिवेन्यू आपको नहीं मिलने वाला है, तो वो रिवेन्यू अभी YouTube के पास ही रहेगा। तो YouTube ने बताया कि अभी आपको रिवेन्यू नहीं दिया जाएगा, अभी इस पे ट्रायल चल रहा है शॉर्ट वीडियो पर, अभी ट्रायल चल रहा है, तो अभी शॉर्ट वीडियो का रिवेन्यू YouTube ही रखेगा। YouTube ने बताया है कि अभी जो शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से अपने शॉर्ट वीडियो पर कार्य कर सके, अपने शॉर्ट वीडियो को अच्छी प्रोसेस से बनाए, तो उसके लिए YouTube आपको शॉर्ट फंड देता है, जिसके 100 मिलियन कंप्लीट व्यूज हो जाते हैं उसको YouTube एक शॉर्ट फंड देता है, जिससे कि वो अपने शॉर्ट वीडियो में प्रोसेस कर सके। तो दोस्तों जो अभी YouTube ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 दिसंबर 2022 तक आपको शॉर्ट वीडियो का रिवेन्यू नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 तक आपको शॉर्ट वीडियो का शॉर्ट फंड दिया जाता है, इसलिए आपको शॉर्ट वीडियो का जो एड आएंगे उसका रिवेन्यू नहीं दिया जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि 31 दिसंबर के बाद YouTube जो न्यू अपडेट आएगा जिसमें कि रिवेन्यू एड होने लगेगा आपके शॉर्ट वीडियो का भी, तो आपको 31 दिसंबर 2022 के बाद ही आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर आल कर लेना। YouTube से जुड़ी न्यू अपडेट की वीडियो हम आपको सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि YouTube का क्या नया अपडेट आया था। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।